व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज दानिश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बैक टू बैक क्वेश्चंस लेंगे और मैं उन सबका आंसर देने की कोशिश करूंगा जो मुझसे फ्रीक्वेंटली ओवर डिफरेंट सोर्सेज पूछे गए हैं, यूट्यूब कॉमेंट्स, जी मेल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। दो तीन सजेशंस हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, आई जस्ट कीप इट अनोनिमस, राइट? अगर आप मेरे से पर्सनल प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हो तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, तो मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, डायरेक्टली बस क्वेश्चन पुट करूँगा ताकि वो हम सब के लिए जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो। दूसरी बात, अगर 1% कोई क्वेश्चन जो है वो मान लो आपकी डोमेन का नहीं है, आई स्टिल रिकमेंड कि आप उसको जो है वो स्किप मत करो, ठीक है? उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लिए, आपकी डोमेन के लिए, आपकी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं अगर रिलेट होती है तो अगर आप स्किप करोगे तो मिस कर जाओगे। तीसरी चीज़ जो है, मैं क्वेश्चन को कोशिश करूँगा थोड़ा ब्रॉड करने की। अगर एक नीश में कोई क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसको कोशिश करूँगा थोड़ा सा ब्रॉड करने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो होटल मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है और वीज़ा रिलेटेड है, तो मैं उसमें होटल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद लेजर वाली इंडस्ट्री, फिर उसके बाद शेफ़ वाली इंडस्ट्री, ट्रक ड्राइवर वाली इंडस्ट्री, वो सबको मैं बीच में कवर करने की कोशिश करूँगा, राइट? तो इट विल बी अ गुड गेम। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हे, कैन आई शो स्टूडेंट लोन फॉर वीज़ा एप्लीकेशन? एब्सोल्युटली, ठीक है? अगर आप मान लो इंडिया से आ रहे हो, एक जस्ट एक यूनिक सिचुएशन लेता हूँ, मान लो आप इंडिया से आ रहे हो तो आप डिफरेंट बैंक्स में जाके जो है अपनी लोन एप्लीकेशन जो है वो फाइनेंस करवा सकते हो। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि HDFC बैंक या किसी और प्राइवेट बैंक में जा रहे हो, या डिपेंड करता है कि आप किसी गवर्नमेंट बैंक में जा रहे हो, राइट? SBI बैंक एंड सो ऑन। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, ये आप ध्यान से देख लेना कि जब आप लोन लेकर आयरलैंड आते हो तो आपकी EMIs जो है वो कब स्टार्ट होती है, राइट? हो सकता है कि आप अभी एक ही महीना हुआ है आपको आए हुए और सेकेंड मंथ से जो है आपकी EMI स्टार्ट हो जाए, विच इज़ नॉट दैट गुड। दूसरी चीज़ जो आप बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि आप देखो, वो है आपका इंटरेस्ट रेट कितना है। अगर मान लो आपको कोई X अमाउंट पे मिलता है तो हो सकता है कोई दूसरा बैंक जो है आपको Y अमाउंट पे दे, तो ऑब्वियसली जो कम होगा आप वहाँ से लेना। तो अगर आप उसकी मार्केट में हो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन वी अप्लाई फॉर फैमिली ऑल्सो एट द सेम टाइम वी अप्लाई फॉर ICT और हैज़ इट बिन डन आफ्टर रीचिंग देयर? आई वुड से कि आप एक बार पहुंच जाओ, राइट? आप थोड़ा सेटल हो जाओ, आपका घर मिल जाए, आपको थोड़ा सा इधर उधर के बारे में पता चल जाए, आपके पास एटलीस्ट एक दो पेचेक आ जाए, देन अप्लाई फॉर योर स्पाउस, राइट? आपका स्पाउस जो है या आपकी स्पाउस जो है फॉर दैट मैटर, उनका वीज़ा आपके वीज़ा पे डिपेंडेंट है, दैट्स द रीज़न उसको डिपेंडेंट वीज़ा बोला जाता है, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट वीज़ा नहीं है, तो वो डायरेक्टली आपके बिहाफ के बिना अप्लाई नहीं कर सकती या कर सकते, तो उनकी जो डिपेंडेंसी रहेगी वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर या आपके वीज़ा स्टेटस के साथ डायरेक्टली टाइड अप रहेगी। तो आई से कि आप यहाँ पे आओ, थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो, थोड़ा सा सेटल हो, घर वर ढूंढो, आप अच्छा थोड़ी सी इनकम क्रिएट करो, एंड देन गो हैड अप्लाई फॉर योर स्पाउस, ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जब आप अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर देते हो, ही और शी कैन वर्क राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो बेसिकली आपकी इनकम कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा एक ब्रॉड टर्म में एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास जो है एक क्वेश्चन और आया था कि अगर मैं आता हूँ, मेरी इनकम XYZ है, 70,000 यूरोज़ की जो है वो इनकम है, तो प्लस आई हैव 2 kids एंड अ वाइफ, तो मैं कैसे पूरे घर का खर्चा जो है वो मैनेज कर पाऊँगा, ठीक है? सेम चीज़, आप आओ, $70,000, एक दो महीने आपने अपना पे चेक जो है वो कलेक्ट किया, आपने अपने स्पाउस का वीज़ा लगवाया, उन्हें बुलाया, अगर वो जो है उनकी स्किल्स वगैरह ठीक ठाक है, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई किया, एक दो हफ्ते बाद जॉब मिली, ठीक है, इनकम आपकी सप्लीमेंट होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना? आप ऐसे जो है अपना बेसिकली एज लॉन्ग एज आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करते हो, भाई आपको ऑनेस्टली कोई भी टेंशन नहीं आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर, मैं काम करने के लिए आयरलैंड आना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? डेफिनेटली भाई, आप बिल्कुल आ सकते हो। डिपेंड करता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे आके जॉब ढूंढना चाहते हो या फिर अपनी किसी कंपनी के थ्रू यहाँ पे एज अ ICT परमिट पे आना चाहते हो। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी वीडियोस जो है बनाई हुई हैं कि आपको वॉक थ्रू कैसे करना है, आप कैसे आ सकते हो, कैसे आपको एप्लीकेशन डालनी है, वीज़ा स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं रेकमेंड करूँगा एक बार कि आप जो है मेरे इसी चैनल पर दोबारा एक बार जाके उस टाइप की वीडियोज़ देखो। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन होता है, यू नो वेयर टू फाइंड मी। ऑल द वेरी बेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर गेटिंग अ जॉब इन होटल कैन आई गेट अ वीज़ा? इसके ऊपर मैं आपको एक ऑफिशियल गाइडलाइन, ऑफिशियल जो है एक PDF, एक जो वेबसाइट है, मैं आपको वो अभी इस टाइम स्क्रीन पर शो करता हूँ। उसके अंदर क्या है, इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन है सारे के सारे। अगर आप मान लो किसी भी लेजर या हॉस्पिटैलिटी के अंदर एज अ मैनेजर जाना चाह रहे हो, राइट, तो यू आर इन एलिजिबल टू गेट अ वर्क परमिट, ठीक है? आप कुछ भी करो, आपको जनरल स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स नहीं मिलेगा, ठीक है? सेम गोज़ फॉर ट्रक ड्राइविंग या जैसे भी जो आते हैं, सेम गोज़ फॉर शेफ़। इसके अंदर कुछ एक क्रिटिकलिटीज़, कुछ एक इन एलिजिबल की जो ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है, इसके अंदर कुछ एक एक्सेप्शन है,
ठीक है. फॉर दैट अब इतना बड़ा जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गाइड आपको शायद ना कर पाऊँ, मैं उन चीज़ों में अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ. बट आई वुड से कि जब आप आ रहे हो, आप अपने एजेंट से या किसी जो करियर काउंसलर जो है, ऑथेंटिक करियर काउंसलर, एक बार आप उनसे जो है अपनी फाइल या अपनी एप्लीकेशन डेफिनेटली डिस्कस करो. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वॉट इज़ द गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस नीडेड टू लैंड अ जॉब इन आयरलैंड. अब देखो यार, इसका एक स्पेसिफिक सेट मैं नंबर नहीं बता सकता कि 5.5 साल अच्छा है, राइट. बहुत आपकी डोमेन पे, बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रीम पे, बहुत ज़्यादा आपके खुद के स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है, राइट, आपके पास सर्टिफिकेशन भी है, बैक टू बैक आपने प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनीज विल स्टिल गिव यू अ गुड सैलरी, राइट, कंपनीज विल स्टिल हायर यू. वर्सेज ये भी डिपेंड करता है कि आपने जस्ट कॉर्पोरेट लाइफ में ही काम किया है, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस नहीं है, राइट, आपने सिर्फ बैचलर कर रखी है, मास्टर्स भी नहीं कर रखी, लेकिन आपके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनीज विल स्टिल हायर यू, राइट. तो ऐसा नहीं होता, इट्स जस्ट दैट कि आप अपने इंटरव्यू में कैसे अपने आप को सेल कर सकते हो. तो 2 साल वाला भी वहीं जाता है, 10 साल वाला भी वहीं जाता है. ऑब्वियसली 10 साल वाले ने थोड़ा ज़्यादा काम किया हुआ है तो उसको हल्का सा तो बम्प अप मिलेगा, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई वॉन्ट टू इमिग्रेट टू आयरलैंड, कुड यू प्लीज सजेस्ट एज पर माई फॉलोइंग डिटेल्स. माई एज इज 36, प्लस टू पास आउट इज 2008, वर्क एक्सपीरियंस 10 ईयर्स इन ई कॉमर्स एंड मैरिड विद 1 किड, नो प्रॉब्लम. आयरलैंड इमिग्रेट करने में देखो, अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट. अगर आपको ई कॉमर्स में जैसे कि आपको एक्सपीरियंस है तो आप ई कॉमर्स की लाइन में यहाँ पे आ सकते हो. यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिजेंबलेंस दिख रहा है. तो आई वुड से अगर आप देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको नया चेंज चाहिए, राइट, अगर आप इंडिया के बाहर सेटलमेंट देख रहे हो या जो भी आपकी होम कंट्री है, जैसे पाकिस्तान होगी, मिडिल ईस्ट हो गई, जो भी आपकी होम कंट्री है, अगर आप उसके बाहर अपनी सेटलमेंट देख रहे हो, व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट, राइट. लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ एक रिस्ट्रिक्शन वाला फैक्टर है, तो दिस इज़ अ गैम्बल, राइट. क्योंकि आप किस वीज़ा स्टेटस पे आते हो वो अलग डिपेंड करता है, हो सकता है आप स्टडी बेसिस पे आओ. आई वुड से कि अगर आपको आयरलैंड आना है, अपनी कंपनी में बात करो कि आपको जो है आयरलैंड में ट्रांसफ़र कर दे जॉब को, ठीक है. तो आपकी बेसिकली राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपकी एटलीस्ट इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत सारे खर्चे जो हैं वो सर पे नहीं आएंगे. बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कि इज़ इन्वेस्टमेंट एन ऑप्शन फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन आयरलैंड. डेफिनेटली, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने अपनी जो है एक पहले वीडियो बनाई थी. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक दैट आउट, इफ़ नॉट मैं जस्ट एक ब्रॉड टर्म मैं आपको बता देता हूँ. यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, प्रोवाइडेड आपके पास उतने ज़्यादा पैसे हो. स्टूडेंट लाइफ में तो मैं थोड़ा सा रिकमेंड नहीं करूँगा. बाकी यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, यू कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड्स. तो उसके लिए आपको कौन सा ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना है, वो सब की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी पहले दी हुई है. यू कैन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, द बिगेस्ट थिंग, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यू कैन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बाय दैट वे. आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हो, ठीक है, पर्सनल ट्यूशन जो होती है, आप नॉर्मल अपनी लैंग्वेज पढ़ा सकते हो, यहाँ पे बहुत क्रेज़ है लोगों को, यू कैन सप्लीमेंट योर इनकम दैट वे. तो बहुत सारे सोर्सेज हैं. आई से कि आप मेरी एक बार पुरानी वीडियो देख लो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही है, होपफुली दैट विल हेल्प यू अलॉट. बाकी एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाय दानिश, देर आर नॉट मैनी पीपल हु आर मेकिंग सच ग्रेट वीडियोज ऑन आयरलैंड. कुड यू मेक एन इन डेप्थ वीडियो ऑन पी आर एलिजिबिलिटी एंड अबाउट द स्टे बैक्स आफ्टर मास्टर्स इन आयरलैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. पी आर या फिर स्टैम्प 4 के ऊपर मैं इन डिटेल वीडियो में डेफिनेटली बनाऊंगा. मेरे पास आपका क्वेश्चन आ गया. बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल में बताऊं, तो मास्टर्स के बाद जो आपको वर्क परमिट मिलता है और उसके बाद जो आप कन्वर्ट करवाते हो अपना स्टैम्प 4, फर्स्ट स्टैम्प 4 इज़ वैलिड फॉर 2 ईयर्स, राइट. जो आपका GNIB जो कार्ड होगा उस पर 2 साल की वैलिडिटी होगी. जब आपका वो 2 साल हो जाए, यू कैन एक्सटेंड इट आगे 2 साल के लिए. बेसिकली उसमें आपको 1 ही साल रहना होता है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप. बाकी अगर आप नहीं करना चाहते, यू कैन कीप ऑन एक्सटेंडिंग द स्टैम्प 4 अगेन एंड अगेन एंड अगेन. रहने की कोई टेंशन नहीं है, जब तक आपके पास स्टैम्प 4 है आप रह सकते हो. बट वंस अगेन, स्टैम्प 4 डज नॉट मीन कि यू हैव द परमिशन टू स्टे इन आयरलैंड इनडेफिनेटली. तो आपकी इनडेफिनेट परमिशन नहीं है. ये भी मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था पहले, मैं अभी बीच में क्लियर कर रहा हूँ. स्टैम्प 4 इज़ नॉट एन इनडेफिनेट परमिशन. 2 साल की वैलिडिटी है उस कार्ड की, तो 2 साल तक आप रह सकते हो. एज लॉन्ग एज आप नेक्स्ट टाइम दोबारा रिन्यू करवाते हो, आप फिर से 2 साल रह सकते हो. फिर रिन्यू कराते हो, फिर से 2 साल रह सकते हो. अनलेस आप अपना स्टैम्प 4 चेंज करा के स्टैम्प 5 में नहीं आते या फिर सिटीजनशिप में नहीं आते. वीज़ाज़ के ऊपर अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, वंस अगेन आई रेफर यू बैक टू माई वीडियोज़. सेम चीज़ दोबारा रिपीट करने का कोई पर्पस नहीं है. बाकी इसके अलावा मैं ये वाली वीडियो डेफिनेटली इन डेप्थ आपके लिए बनाऊंगा फॉर श्योर. आई नो बाकी सारे लोगों को भी हेल्पफुल होगी. बाकी आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही था. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि मुझे सेकंड सेशन बनाना चाहिए या नहीं. बाकी थैंक्स फॉर बींग अ पार्ट एंड थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर.